फ्रेंड्स अभी हम लोग मैकोडिल फंक्शन में उसको प्रोग्नोसिस देख लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। प्रोग्नोसिस मतलब क्या रहता है फ्रेंड्स, चांसेस ऑफ रिकवरी फ्रॉम द डिजीज। प्रोग्नोसिस मतलब क्या रहता है फ्रेंड्स, चांसेस ऑफ रिकवरी, ठीक है। प्रोग्नोसिस मतलब चांसेस ऑफ रिकवरी फ्रॉम द डिजीज, ठीक है। एक्यूट मैकोडिल इन्फेक्शन में बैड प्रोग्नोसिस कब रहती है, फिर बैड प्रोग्नोसिस इंडिकेटेड इन एक्यूट मैकोडिल इन्फेक्शन कब, ये जो ओल्ड एज पेशेंट है, हिस्ट्री ऑफ डायबिटिक पेशेंट में ये हमारा आता है, ठीक है। ओल्ड एज पेशेंट में और हिस्ट्री ऑफ डायबिटिक में क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार उसे कुछ कॉम्प्लिकेशन वगैरह इतने आते हैं कि कॉम्प्लिकेशन हैंडल नहीं होते ओल्ड एज पेशेंट में वगैरह, उसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। और हिस्ट्री ऑफ जो डायबिटिक पेशेंट रहते हैं, डायबिटिक पेशेंट में उसी डायबिटिक की वेल ट्रीटेड पेशेंट में और लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक के पेशेंट में जो डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से, ठीक है, डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से पेशेंट में कई बार चेस्ट पेन आता है, तो पेशेंट को चेस्ट पेन समझ में नहीं आता फ्रेंड्स, ठीक है। डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से पेशेंट को चेस्ट पेन कई बार चेस्ट पेन समझ में नहीं आता, ठीक है। इसकी वजह से फिर यमा आने के बाद पेशेंट को चेस्ट पेन नहीं होता और प्रॉपर स्वेटिंग और कई बार नौशिया वगैरह रहता है, लेकिन पेशेंट उसको नेग्लेक्ट करता है, इसी वजह से पेशेंट की जब सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स इसमें डायबिटिक के पेशेंट में उसकी वजह से डेथ होती थी, क्योंकि उसमें पेशेंट में चेस्ट पेन दिखाई नहीं देता और पेशेंट उसको नेग्लेक्ट करता था, इसी की वजह से चेस्ट पेन और हिस्ट्री ऑफ डायबिटिक पेशेंट में बैड प्रोग्नोसिस रहते हैं एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में। और प्रीवियस मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, प्रीवियस मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार पेशेंट का इजेक्शन फ्रैक्शन लो होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन लो होता है, ऐसे पेशेंट में भी फ्रेंड्स बैड प्रोग्नोसिस रहती है, ठीक है। बाद में जो सीपीके जो कार्डियक मार्कर्स है ना, जो 2000 से ज़्यादा इंटरनेशनल यूनिट से बढ़ जाता है, तो सीपीके 2000 से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो क्या होता है फ्रेंड्स, ये क्या इंडिकेट करता है, वेरी बिग एमआई, ठीक है, बहुत बड़ा इन्फेक्शन है, उसमें बहुत ज़्यादा कार्डियक मसल डैमेज वगैरह है, ऐसे पेशेंट में फ्रेंड्स प्रोग्नोसिस बैड रहते हैं ऐसे पेशेंट में भी। बाद में देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंट्रावेंट्रिकुलर कंडक्शन डिफेक्ट, मतलब जो कंडक्शन डिफेक्ट होते हैं पेशेंट में, कैसे क्या होता है, पुअर लेफ्ट वेंट्रिकल फंक्शन होता है, जो इजेक्शन फ्रैक्शन ऐसे पेशेंट में इजेक्शन फ्रैक्शन डिक्रीज हो जाते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन डिक्रीज मैक्सिमम फ्रेंड्स इन्फेरियर वॉल एमआई में कॉम्प्लिकेशन दिखाई देते हैं, इन्फेरियर वॉल एमआई में कॉम्प्लिकेशन दिखाई देते हैं ये, ठीक है। पुअर लेफ्ट वेंट्रिकल फंक्शन, परसिस्टेंट हार्ट ब्लॉक, भी पेशेंट फ्रेंड्स मैक्सिमम ये इन्फेरियर वॉल के कॉम्प्लिकेशन है, ये पेशेंट को समझो ये पुअर लेफ्ट वेंट्रिकल फंक्शन हो गया, बाद में परसिस्टेंट हार्ट ब्लॉक वगैरह हो गया, ये भी बैड प्रोग्नोसिस इंडिकेट करती है फ्रेंड्स मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, ठीक है। बाद में जो इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लिकेशन जो अरेथमिया वगैरह है, वेंट्रिकुलर अरेथमिया सबसे ज़्यादा मेन कॉम्प्लिकेशन है थ्रोम्बोलिसिस के बाद में, वेंट्रिकुलर अरेथमिया वगैरह आने के बाद पेशेंट के मैक्सिमम पेशेंट जो है, जो पेशेंट उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो उसके पेशेंट की मैक्सिमम डेथ उसमें हो जाती है फ्रेंड्स वेंट्रिकुलर अरेथमिया की वजह से। मोस्ट डेथ्स आर ड्यू टू सडन डेवलपमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है। मोस्ट डेथ्स आर ड्यू टू सडन डेवलपमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इट ऑकर्स विद इन 24 आवर्स ऑफ, सिम्टम्स पहले 24 घंटे में पेशेंट के कैसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन आ जाने से डेथ हो सकती है फ्रेंड्स, जो कि हमने थोड़ी देर पहले देखा है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए एमआई में फर्स्ट 24 आवर्स में बहुत इंपॉर्टेंस रहती है, थ्रोम्बोलिसिस के बाद भी पेशेंट की 24 आवर्स बहुत ही इंपॉर्टेंस रहती है, क्योंकि उसमें उसके कॉम्प्लिकेशन वगैरह वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर अरिथमिया, ये सब कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में आ सकते हैं फ्रेंड्स विद इन 24 आवर्स में। इसलिए एमआई के पेशेंट में फर्स्ट 24 आवर्स बहुत ही इंपॉर्टेंस रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरह से हमने एमआई के अच्छे तरह से एमआई क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कैसे डेवलप होता है, उसके साइन सिम्टम क्या है, उसके इन्वेस्टिगेशन कैसे कैसे करते हैं, उसका कैसे डेवलप होता है, उसके टाइप्स वगैरह, ये सब चीज़ें हमने अच्छे तरह से देखे। बाद में एमआई की ओपीडी मैनेजमेंट देखी, बाद में आईपीडी मैनेजमेंट, तो कोरोनरी केयर यूनिट में कैसे मैनेज करते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट में कैसे मैनेज करना है पेशेंट को, थ्रोम्बोलिसिस कैसे करते हैं, थ्रोम्बोलिसिस के बाद कॉम्प्लिकेशन कैसे आते हैं, कॉम्प्लिकेशन को कैसे हैंडल करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने अच्छी तरह से बहुत ही डिटेल में लिया है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए क्योंकि एमआई के मैक्सिमम हमारे पेशेंट्स जो रहते हैं ना, हमारे इंडिया में सबसे मैक्सिमम डेथ रेट जो है एमआई के कारण होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए हमें अच्छी तरह से एमआई को अच्छी तरह से पढ़ना है, उसको अच्छी तरह से डायग्नोस्टिक करने के, उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट भी देना है। इसलिए कोई भी पेशेंट ऐसे आता है तो हमें अच्छे तरह से उसका एमआई का डायग्नोसिस करने आना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। इसके मोटो एक ही है कि हम लोग पेशेंट को अच्छे तरह से डायग्नोस करके उसका अच्छे तरह से ट्रीटमेंट कर सके। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, एक बार तुमने एमआई का पेशेंट का जो जान बचा ली, मतलब पेशेंट को एक बार तुमने डायग्नोसिस कर दिया, डायग्नोसिस करने के बाद समझो उसको लोडिंग डोज देके भी हम लोग उसको शिफ्ट किए किसी हायर सेंटर में, तो भी पेशेंट हम लोग पेशेंट के फ्रेंड्स जान बचा लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात रहती है। और सबसे ज़्यादा उसके बाद क्या होता है, सबसे ये स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है उसमें, ठीक है। मैंने भी ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, बहुत सारे केसेस हैंडल किए हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस में हमें डायग्नोसिस भी किया है, डायग्नोसिस करने के बाद उसको पेशेंट को लोडिंग डोज देके हायर सेंटर में रेफर भी किए हैं, और हायर सेंटर में मैंने कई बार आईसीयू में ऐसे थ्रोम्बोलिसिस भी किए हैं फ्रेंड्स। इसलिए हमें अच्छी तरह से पहले ही ऐसे स्टूडेंट्स लाइफ में
ये सबसे पहले डायग्नोसिस करना सीखना है फ्रेंड्स। डायग्नोसिस करने के बाद उससे अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। इसलिए एमआई के पेशेंट एक भी हमारे हाथ से ऐसा फ्रेंड्स मिसडायग्नोसिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है ऐसा पेशेंट में हम लोग समझो मिसडायग्नोसिस करते हैं पेशेंट को, ये पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ये फैटल भी हो सकता है ये। इसलिए हमें एमआई के पेशेंट को कभी भी एकदम लेजी में नहीं लेना है, अच्छी तरह से उसका पहले सबसे पहले ईसीजी वगैरह हमें रीड करने आना चाहिए फ्रेंड्स। इसलिए हमारे जो ईसीजी की क्लासेस हैं वो भी आप अटेंड कर सकते हैं हमारे मौर्य पब्लिकेशन के, ठीक है। इसलिए हमें ईसीजी भी आना चाहिए और उसका डायग्नोसिस भी करना आना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। यह हो गया, हम लोगों ने अभी एमआई के ट्रीटमेंट वगैरह देख ली है, अभी हम लोग सबसे आखिर में केस डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि क्या होता है केस डिस्कशन से हमारा जो क्लिनिकल नॉलेज भी बढ़ता है और हम लोगों को कॉन्फिडेंस डेवलप होता है फ्रेंड्स, ठीक है। जितने हमने केसेस देख लिए, जितने हमने केसेस वगैरह हमारे लाइफ में देख लेते हैं ना, उतने ज़्यादा हम लोग अभी आगे उसका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि एक बार हमने उसे केस हैंडल किए तो दूसरी बार केस हैंडल करने में हमें कैसे बहुत कॉन्फिडेंस मिल जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। स्टूडेंट्स लाइफ में हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना बहुत ही इंपॉर्टेंस रहता है। यह कैसा होता है फिर हम लोग जितने केसेस देखते हैं, जितने केसेस हैंडल करते हैं, केसेस हैंडल करने और उसको अच्छी तरह से कैसे हैंडल करते हैं, उसको कैसे ट्रीटमेंट देते हैं, ये सब चीज़ें हमें यह इस बेस पर देखा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं केस फ्रेंड्स, मैं जब कैजुअल्टी में ड्यूटी में था एक दिन, ठीक है, कैजुअल्टी ड्यूटी में था, रात को 1 बजे एक पेशेंट आया था। रात को एज मेरे कितने पेशेंट आया उसका एज कितना फ्रेंड्स, 54 ईयर्स मेल पेशेंट था, ठीक है। 54 ईयर्स मेल पेशेंट है, नॉन केस ऑफ डायबिटिक है सिंस 3 ईयर्स ऑन रेगुलर आरएक्स, ठीक है। रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहा है 3 साल से, डायबिटिक है, ठीक है। पेशेंट दिखने में कैसा है, ओबेज है, ठीक है, ओबेज है और हेल्दी भी है पेशेंट, ठीक है। ओबेज था, हेल्दी था पेशेंट, मैंने इसको प्रॉपर हिमालय हम लोगों ने कुछ टाइम में उसको इसकी प्रॉपर हिस्ट्री ले ली, उस मिनट में उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेने के बाद उसकी हिस्ट्री क्या है फ्रेंड्स, नॉन केस ऑफ डायबिटिक है 3 ईयर से और नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन भी थी, ठीक है, नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन भी है सिंस 3 ईयर से, नॉन केस ऑफ डायबिटिक, नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन 3 ईयर से, ऑन रेगुलर आरएक्स ले रहा था, ठीक है, ऑन रेगुलर आरएक्स ले रहा था। और पेशेंट ने एक हिस्ट्री क्या दी थी फ्रेंड्स, पेशेंट ने हिस्ट्री दी थी कि हिस्ट्री ऑफ नॉन वेजिटेरियन डाइट, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ नॉन वेजिटेरियन डाइट, उसके बाद उसको क्या फ्रेंड्स गैस पास नहीं हो रहे थे, ठीक है, गैस पास को नहीं हो रहे थे, एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी था, गैसेस डिस्टेंशन था लेकिन, ठीक है। हमने एग्जामिनेशन करने के बाद क्या होता फिर उसको गैसेस डिस्टेंशन भी था। पेशेंट क्या बोल रहा था, पेशेंट की मेन कंप्लेंट क्या थी फ्रेंड, चेस्ट पेन नहीं थी, क्योंकि वो पेशेंट क्या डायबिटिक है, पेशेंट डायबिटिक है, पेशेंट तो डायबिटिक 3 साल से डिटेक्ट हुआ है, लेकिन पेशेंट डिटेक्ट होने के बाद पेशेंट उसके पहले भी उसको कुछ सिम्टम्स थे, लेकिन पेशेंट कैसे 3 साल पहले डिटेक्ट हुआ है। पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो उसका 3 साल से डायबिटिक नहीं रहता फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि 54 ईयर्स का है और उसको कैसे धीरे धीरे डायबिटिक डेवलप हुई होती रही थी, और पेशेंट में 3 साल बाद उसके कैसे फ्रेंड्स डायबिटिक न्यूरोपैथी भी डेवलप हो गई थी। और पेशेंट को कंप्लेन क्या थी फ्रेंड्स, बर्निंग पेन, बर्निंग सेंसेशन था, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन था एपिगैस्ट्रिक रीजन में, माइल्ड चेस्ट पेन था। पेशेंट की 1 एपिसोड ऑफ वोमिटिंग भी थी, 1 एपिसोड ऑफ वोमिटिंग थी, एंड प्रोफ्यूस स्वेटिंग भी था, ठीक है। मेरे सबसे पहले ध्यान कहाँ था अपने एपिगैस्ट्रिक बर्निंग सेंसेशन, एपिगैस्ट्रिक है और माइल्ड चेस्ट पेन है, ठीक है। लेकिन पेशेंट कंप्लेन क्या कर रहा था, मुझे एसिडिटी हुई, क्योंकि उसकी हिस्ट्री ऑफ क्या थी, नॉन वेजिटेरियन डाइट थी, 10 बजे उसने नॉन वेजिटेरियन डाइट लिया था और गैसेज डिस्टेंशन भी था और क्या था? गैस पास भी नहीं हो रहे, ठीक है। लेकिन सब इस हिस्ट्री में पेंस उसके मेन उसके कंप्लेंट्स में मैंने सबसे पहले बर्निंग सेंसेशन एपिगैस्ट्रिक है, माइल्ड चेस्ट पेन भी है, उसके स्वेटिंग हो गई, वन हिस्ट्री ऑफ वोमिटिंग थी, पेशेंट बोल रहा है मुझे एसिडिटी है, लेकिन क्या 1 एपिसोड ऑफ वोमिटिंग भी है, प्रोफ्यूस स्वेटिंग भी है, ठीक है, और उसकी गैसेज डिस्टेंशन है, ठीक है, एसिडिटी की भी तकलीफ है, ये सब चीज़ें पेशेंट लेके आया था, ठीक है, रात के कितने 1 बजे आया था फ्रेंड्स, ठीक है। हमने सबसे पहले उसका पहले ईसीजी निकाला फ्रेंड्स, ठीक है, ईसीजी में हमें क्या फाइंडिंग मिले, V3 V4 में ST एलिवेशन दिखा, ठीक है, V3 V4 में ST एलिवेशन था, V3 V4 में ST एलिवेशन था फ्रेंड्स। ये इवॉल्विंग EMI था, ठीक है, ये इवॉल्विंग EMI था, इसलिए हम लोगों ने पेशेंट को सबसे पहले फ्रेंड्स इसको फिर से ईसीजी में कमर पर के लिए V3 V4 में ST एलिवेशन था और लैटरल लिप्स में कैसे इन्फीरियर वाले लैटरल लिप्स में इन्फीरियर में कैसे फ्रेंड्स V3 V4 में ST एलिवेशन था एंड फॉलोड बाय ST डिप्रेशन भी थे, ठीक है। ST डिप्रेशन कहाँ पे था,
इंफीरियर वॉल में एसटी रिप्रेशन थे फ्रेंड्स, ठीक है एसटी रिप्रेशन मिला फ्रेंड्स। एसटी ये इंटीरियर वॉल है ना, समझो ईसीजी निकालने के बाद समझिए हमने इसका डायग्नोसिस किया एंटीरियर वॉल एमआई, इसका डायग्नोसिस किया फिर फ्रेंड्स हमने एंटीरियर वॉल एमआई डायग्नोसिस किया हमने, ठीक है एंटीरियर वॉल एमआई डायग्नोसिस किया। डायग्नोसिस करने के बाद फ्रेंड्स उसका हमने लोडिंग डोज दिए, ठीक है एंटीरियर वॉल एमआई डायग्नोसिस के बाद उसको लोडिंग डोज दिए। लोडिंग डोज में क्या क्या देंगे फिर बोलो, इकोस्पिरिन देना है, टैबलेट इकोस्पिरिन 300 mg, टैबलेट क्लोपिडोग्रेल 300 mg एंड टैबलेट एटोरवास्टेटिन 80 mg, बट हम लोग एनर्जी पर भी देना है 0.6 ml सबक्यूटेनस देना है फ्रेंड्स, ठीक है। हमने सबसे पहले उसको लोडिंग डोज दिया, लोडिंग डोज देने के बाद हम लोग पहले कैजुअलिटी में था और मल्टी सेंटर था वो हॉस्पिटल, ठीक है मल्टी सेंटर हॉस्पिटल था इसलिए हम लोग कोरोनरी आईसीयू यूनिट था, हमने सबसे पहले पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया फ्रेंड्स, ठीक है। हमने क्या क्या दिया था फ्रेंड्स उसको, इकोस्पिरिन दिया था 300 mg, क्लोपिडोग्रेल दिया था 300 mg और एटोरवास्टेटिन दिया था 300 mg और सॉरी एटोरवास्टेटिन दिया था 80 mg, ठीक है। ये सब देने के बाद हमने आईसीयू में पेशेंट को शिफ्ट किया, आईसीयू में पेशेंट शिफ्ट करने के बाद उसको हमने टेनेक्टिव प्लेस से थ्रम्बोलाइज किया। टेनेक्टिव प्लेस से थ्रम्बोलाइज करने के बाद पेशेंट एक बार स्टेबलाइज हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। पेशेंट एक बार स्टेबलाइज होने के बाद हमने कुछ दिन बाद उसके एंजियोग्राफी की, एंजियोग्राफी में उसके लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में कैसे ब्लॉकेज थे, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में कितना 70% ब्लॉकेज थे, इसलिए हमने उसका एंजियोप्लास्टी भी किया फ्रेंड्स, ठीक है। एंजियोप्लास्टी करने के बाद पेशेंट एकदम स्टेबल हो गया, उसका इजेक्शन फ्रैक्शन भी कितना 55% हो गया बाद में, ठीक है। इजेक्शन फ्रैक्शन कितना हो गया फिर उसका 55%, मतलब हमने उसको कार्डियक मशीन ज़्यादा डैमेज होने ही नहीं दिया फ्रेंड्स, ठीक है। हमने कार्डियक वॉशो ज़्यादा डैमेज होने दिए और इको में भी कैसे हाइपोकैनिक चेंजेस वगैरह नहीं आए बाद में, ठीक है। इसलिए पेशेंट एकदम हेल्दी और अच्छी तरह से फाइन हो गया। ऐसे पेशेंट में फ्रेंड्स हमें अच्छी तरह से पहले सबसे पहले डायग्नोसिस करना है, उसके अच्छी तरह से पॉइंट क्लिक करने हैं। हम लोगों ने रात को एक बजे कैसे फ्रेंड्स हम लोग पेशेंट को अच्छी तरह से कई बार कैसा होता है मिस डायग्नोसिस हो जाता है, पेशेंट क्या कंप्लेन लग गया था हमारे पास, बर्निंग सेंसेशन था, उसका एसिडिटी कितना इतनी तकलीफ था, अब्डोमिनल डिस्टेंशन था, गैस पास नहीं हो रहा, ऐसी वजह से हम लोग उसको सारा एंटीएसिड दे के भी भगा सकते थे। लेकिन हमने उसको अच्छी तरह से उसका एग्जामिनेशन किया, एग्जामिनेशन करने के बाद उसका फ्रेंड्स हमने ईसीजी में उसके चेंजेस वगैरह देखे, ईसीजी में चेंजेस देखने के बाद हमने पेशेंट सबसे पहले उसको फिर लोडिंग डोज देने के बाद अच्छे जैसे पेशेंट की कैसे फ्रेंड्स थ्रम्बोलाइज वगैरह करना, पेशेंट की जान बच गई फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए ऐसे पेशेंट में हम लोग अच्छे तरह से डायग्नोसिस करना आना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। डायग्नोसिस करने के बाद उसका अच्छे तरह से ट्रीटमेंट करना आना चाहिए। इसलिए फ्रेंड्स ये हमारे चैप्टर है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, इसलिए अच्छे तरह से उसको पढ़ना है और उसको अच्छे तरह से अप्लाई भी करना है फ्रेंड्स, ठीक है।